हाइजीन का ये है कि हाइजीन मेंटेनेंस में सबसे पहले ब्रशिंग फिर मा, मा, वो फ्लॉस डेंटल फ्लॉस जो दांतों का एक थ्रेड सा होता है जो दांतों के दरमियान में से साफ करते हैं है और माउथ वॉश माउथ वॉश इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है उसको डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है मैं कॉन्सेंट्रेटेड एडवाइस नहीं करती क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड करें तो एंटीसेप्टिक का लॉन्ग टर्म में स्टेनिंग भी कॉर्स कर सकता है और नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे दांत मुंह में एक अच्छे वाले बैक्टीरिया okay. होते हैं वो ऑल्टर कर सकता है कितना डाइल्यूट करना चाहिए कितने मिकदार पानी के साथ अच्छा ये हर एक की अपनी एक बर्दाश्त की वो होती है हम इक्वल अमाउंट्स में भी उसके साथ जो कप होता है उसमें गेज में टेन सी वो और टेन सी वो भी कर सकते हैं ठीक है कुछ केसेस में हम डबल द अमाउंट पानी का कह देते हैं छोटा सा आपने टेन सी आपने ये लिया हुआ आप ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लो डेट ओनली डिपेंड्स के बंदा इंसान की बर्दाश्त मुंह में कभी होता है ना उसको बहुत तुर्स लग रहा होता है जायका तो वो चीज़ अगर जो बर्दाश्त कर लेता है वो ठीक है